हेलो गाइस, सो स्वागत है आप सबका आज के एक और नए व्लॉग में। आज मोटो व्लॉग की जगह पे मैंने सोचा क्यों ना एक सिंपल व्लॉग जो है वो शूट किया जाए। अभी टाइम हो चुका है 6:07, तो अब हम उठेंगे, एक छोटे से वॉक के लिए जाएंगे। वॉक के लिए स्टेडियम नहीं जाएंगे हम, यहीं पे पास में एक छोटा सा ग्राउंड पड़ता है हेलीपैड, तो वहाँ पे थोड़ा सा वॉकिंग करके आएंगे, मॉर्निंग वॉक करके आएंगे। तो लेट्स सी क्या रहता है, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए मेरे डेली शेड्यूल को देखने के लिए। तो गाइस, उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद हम अपनी दुकान पे जाते हैं। दुकान का नाम फर्स्ट चॉइस रेडीमेड गारमेंट्स है, जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको किड्स वगैरह के और मेल मतलब जेंट्स के रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो सारा दिन लगभग 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 यहीं पे रहा जाता है। पर एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से पिछले 2 दिनों से मैं आपको व्लॉग नहीं दिखा पा रहा हूँ, व्लॉग नहीं ला पा रहा हूँ। तो उसका क्या कारण था वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। पर फ़िलहाल कुछ जो आप देख पा रहे हैं, ये सीन जो है ये मेरी दुकान के अंदर का सीन है। तो अगर आपको कोई भी रेडीमेड गारमेंट्स लेना है और आप डोडा में रहते हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और आसानी से रेडीमेड गारमेंट्स जो है वो ले सकते हैं। तो गाइज, यह दुकान जाने तक यहाँ तक जो है वो सारा का सारा सीन मस्त था। सारा का सारा सीन एकदम बिल्कुल जैसे मैं सोचा था वैसा ही था। पर इसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि मेरी बाइक जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे कि उसका राइट साइड का जो ब्रेक के पास फुट रेस्ट होता है वो वाला फुट रेस्ट टूट गया। मेरा हेलमेट जो है वो टूट गया। एक छोटा सा क्रैश हुआ था जिसकी वजह से ये सारा कुछ टूट गया। तो मैं उसके बाद ना बाइक पे जा पाया, सारा दिन आज बाइक की सर्विस वगैरह करवाई, उसका इंजन ऑयल वगैरह जो भी था वो सारा कुछ करवाया। तो यही कुछ प्रॉब्लम्स थी जो 2 दिनों से मैं फेस कर रहा था, और 2 दिनों से मैं आप सबके लिए व्लॉग नहीं ला पा रहा था। अभी मैंने फ़िलहाल बाइक तो वापस ले आई है, पर बाइक का जो राइट साइड का फुट रेस्ट है वो अभी भी नहीं है। तो मतलब बाइक लाई मैंने घर पे, पर ऐसे रिस्क एज अ रिस्क मतलब बहुत ज़्यादा रहता है इसमें कि आप बिना फुट रेस्ट के अपनी बाइक को लेके आ रहे हो, और मतलब जो भी है। तो अभी भी मेरी बाइक पूरी फिट तो नहीं है, पर हाँ, फिर भी मैंने बाइक को अपने रूम तक पहुंचा दिया है, मतलब घर ले आया हूँ। तो होप कि सब कुछ जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप सब भी प्रे करना माता रानी से कि मेरी बाइक जो है वो ठीक हो जाए, और मैं आपके लिए जो है वो डेली डेली कंटेंट जो है वो लेके आ सकूँ। तो यही सब कुछ था। इसके अलावा एक और सरप्राइज़ है जो आपको बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, तो आप सब के लिए आज मेरे पास एक और गुड न्यूज़ है। बहुत जल्दी ही हमारी यूट्यूब फैमिली में हमारी धन्नो जो है उसकी सौतन आने वाली है। मतलब हाँ, एक और बाइक है जिसपे व्लॉग्स आने वाले हैं आने वाले टाइम पे, विद इन फ्यू डेज। मतलब कुछ मसला चल रहा है, वो मसला सुलझ जाएगा तो जल्दी ही आपको एक और बाइक पे जो है वो व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पहले गैस करिए कि कौन सी बाइक पे जो है वो आने वाले टाइम पे आपको व्लॉग देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो होप कि आप सब जो है वो करेक्ट ही गैस करें। मेरी फेवरेट तो NS है, NS 180 या NS जो भी है। NS बाइक मेरी फेवरेट है पल्सर की, बट अभी फ़िलहाल NS नहीं, NS के अलावा एक दूसरी बाइक पे जो है वो व्लॉग्स आने वाले हैं। तो आप लोग सब के सब गैस करिए कमेंट सेक्शन में कि कौन सी बाइक पे जो है आने वाले टाइम पे व्लॉग्स आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में। होप कि कल मेरा जो हेलमेट है जिसपे चिन माउंट वगैरह लगा हुआ है, तो वो कल मेरे पास आ जाए, तो कल से आपको अच्छे से व्लॉग्स जो है वो देखने के लिए मिले।